दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म को भर करके हम दिखाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, यदि आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको फॉर्म भरने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों होगा? प्रॉब्लम इस वजह से होगा क्योंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 31 मार्च से ही आप सभी स्टूडेंटों को मतलब इंटरनेट सेवाएँ पूरा डिस्ट्रिक्ट में क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। और कब तक क्लोज रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख तक यदि क्लोज करने का निर्देश निकल के आया है, ठीक है। और हो सकता है कि वो डेट और भी आगे बढ़ सके, 10 या 12 तारीख तक जा सके। फिलहाल के लिए 8 तारीख तक इंटरनेट सेवा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं पीजी सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहूँगा और इसे मैं भर करके दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है और कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ यूजी वाले स्टूडेंटों को भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आपके घर में जो भी यूजी के स्टूडेंट रहेंगे उन्हें अलर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं और से फॉर्म को वो अप्लाई करवा लेंगे वो अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है, आप अपना डिटेल्स सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं यूजी का भी आ चुका है। यूजी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन से स्टूडेंटों का यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फॉर्म को जो भरना चाहूँगा पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। तो पीजी में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बहुत सारे ऑप्शन मेरे को देखने को मिला, लेकिन आप जो है यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद पीजी रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि आप बैकलॉग नहीं लगा है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं वैसे ही एक नया टैब देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, आप अपने कोर्स देख लीजिए, MCA हैं या फिर MBA सेमेस्टर 4 है। मैं सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा MBA सेमेस्टर 4, ठीक है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। यूजी का स्टूडेंट रहेंगे तो यूजी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी रहेंगे, पार्ट 3 जो भी, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सर्च बटन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर रोल नंबर मेरे को भरने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। रोल नंबर के बाद यहाँ पर रोल नंबर को मेरे को यहाँ पर टाइप करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम टाइप कर दीजिएगा और ये जो कैप्चर यहाँ पर आपको शो कर रहा इस कैप्चर को यहाँ पर भर देना और सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही सर्च बटन पे आप क्लिक कीजिए वैसे ही कुछ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना डिटेल्स को भर चुके हैं। उसके बाद हम आगे सबमिट करेंगे। कैप्चर को भर चुका हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। दोस्तों जैसे ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कुछ ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट का नेम रहेगा, यहाँ पे जो है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर रोल नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका फादर्स नेम, यहाँ पर आपका मदर्स नेम भरने को रहता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर एग्जाम टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, एग्जाम टाइप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना रहता है, कोर्स रहता है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या रहता है, यहाँ पे टिक मारने के लिए कहा जाता है और टिक मारने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रोसीड बटन यहाँ पे मेंशन किया गया, प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म। तो चलिए हम इस पर प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका जो है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास का रोल नंबर भरने को रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्लास का रोल नंबर भर लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, स्टूडेंट का नेम यहाँ पर मैंशन किया, मतलब आपको यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम आपको भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक भरा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है, फीमेल है या फिर कुछ और हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। मेल को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा और यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यूजी मतलब सॉरी यहाँ पे जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, BC1 है, BC2 हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में आपको ध्यान से देख लेना कौन सा कैटेगरी आती है। यदि गर्ल्स रहेंगे तो आप गर्ल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, हैंडीकैप वगैरह रहेंगे या फिर यहाँ पे इन तमाम डिटेल्स में से कोई कोई भी आप लोग आते होंगे तब इससे भरिएगा, वरना अधिकांशतः लोग नॉट अप्लीकेबल को यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया नेशनलिटी, ठीक है। नेशनलिटी में आपको क्या कर लेना, इंडियन कर लेना, क्योंकि आप इंडिया के निवासी हो, यहाँ पे कर देना डोमिसाइल। यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार का निवासी हैं, तो आपको बिहार को सिलेक्ट करना, अदर
अदर राज्य से आप निवास वहाँ के निवासी हैं तो वहाँ का सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट बिहार के ही हैं, तो इसलिए बिहार को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रिलीजन में आपको कर लेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हिंदू को सिलेक्ट करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी है आप अपना परमानेंट एड्रेस को फिल कीजिएगा। दोनों सेम ही है तो दोनों को सेम ही मेंशन कर दीजिएगा, दोनों में सेम टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। मीडियम में आपको क्या सेलेक्ट करना रहता है, हिंदी या इंग्लिश, आप एग्ज़ाम किस टाइप में दीजिएगा, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करने के लिए बोला जाए, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो रहेगा कोर्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं कोर्स को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा क्या कुछ कोर्स रहता है, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती करते हैं और यहाँ पे ही आपको गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमने अपना सारा डिटेल्स ऊपर में हम भर ही चुके हैं। यहाँ पे अपना एग्जाम टाइप इंग्लिश में सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे आपका देख सकते हैं टाइप में आ चुका है पीजी, और यहाँ पे एमबीए सेमेस्टर फोर आ चुका है, आपका कॉलेज नेम यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ वैसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता कि यहाँ पर आपको कौन से चीज़ को कौन से ऑप्शन को आपको भरना रहता है, ठीक है। और मेन यहाँ पे ही आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैं चूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि आपका जो है यहाँ पे कौन सा जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा कोड को सेलेक्ट करना, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे दूसरे वाला मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का। तो आपको इन तमाम डिटेल्स को आपको कॉलेज से संपर्क करना रहता है, वरना यदि आप कुछ गलत फिल कर दीजिएगा तो आपको त्रुटियाँ हो सकता है, इसलिए आप अपने कॉलेज से संपर्क जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने भरने का प्रयोग करूँगा क्या कुछ यहाँ पर है, ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हम अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे भर चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आप एक मिनट के लिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वैसे कुछ इस तरीके का आता है इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे कोड देखिएगा 23 24 25 26, तो 26 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 27 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 27 को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे 28 या बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट हो सके, तो आप लोग अपने कॉलेज से एक बार जरूर कन्फर्म कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे 28 होगा जो कि सीरियल नंबर से यहाँ पे मैच हो रहा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना फोटो को मैं यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो जो कि 20 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर भी 20 KB का होना चाहिए, और ये जो फॉर्म का जो भरने का जो डेट है आखिरी डेट 8 तारीख तक है, और मैं आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 8 तारीख तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगा, ठीक है, 31 तारीख से ही सेवाएं बंद इंटरनेट का ऑल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन हो सकता है डेटा और आगे बढ़े तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए मैं इस फॉर्म को अप्लाई करके आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहां पर फोटो सिग्नेचर कर लेते हैं। उसके बाद यहां पे कैप्चर जो मेरे को सामने दिख रहा है, इस कैप्चर को यहां पे भर करके सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना फोटो सिग्नेचर कर चुके हैं और ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को हम भर चुके हैं। उसके बाद हम सेव फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने सबमिट किया वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा पेमेंट में आपका जो प्रॉब्लम होता है वो फंसने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आप शनिवार या रविवार सॉरी शुक्रवार को यदि पेमेंट करते हैं, यदि आपका पेमेंट फंस जाता है तो आपको शनिवार और रविवार काउंट नहीं होता, और बीच में कोई पर्व त्यौहार आ जाएगा वो भी काउंट नहीं होगा, उसके बाद का डे काउंट होता है 48 आवर्स, इस बात को आपको ख्याल रखना। लेकिन जब कभी भी आप लास्ट डेट में यदि पेमेंट फंसता है तो स्वाभाविक है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, 48 घंटा वेट तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ जाता है। लेकिन आपके पास में टाइमिंग है तो आपको वेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। कुछ स्टूडेंटों का फॉर्म नंबर जनरेट नहीं होता तो उन्हें क्या करना रहता है, और ये यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका होता है। तो उन तमाम स्टूडेंटों से निवेदन रहेगा कि यूनिवर्सिटी जा करके आप अपना फॉर्म को रीसेट करवा लीजिएगा, उसके बाद दोबारा से आप फॉर्म को भरिएगा तो यहाँ पर आपका फोन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
किसी किसी स्टूडेंट का ऐसा ऐसा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है और अधिकांश लोग का सक्सेस हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहां पे मेंशन किया गया, और यहां पे देख सकते हैं मेंशन किया गया कितना लग रहा है, 2420 रुपये यहां पे लग रहा है। ठीक है, 2420 रुपये आपको पेमेंट यहां पे मेंशन किया गया, लेकिन जब कभी भी मैं फॉर्म को अप्लाई करूंगा, पेमेंट करूंगा, तो यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देखने को मुझे मिल जाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाला पे नाउ बटन मेरे को देखने को मिला, इस पे नाउ बटन पर हम क्लिक करेंगे और पे करके हम आपको दिखाएँगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों। जैसे ही पे नाउ बटन पे मैं क्लिक करूंगा, वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम अपना कार्ड से मैं पेमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स हम अपना भर देंगे। ठीक है, कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स में उसको मंथ, यहाँ पे ईयर, उसको सी वी वी भर दीजिएगा, कार्ड का जिस होल्डर का नाम रहेगा कार्ड होल्डर ने वहाँ पर भर दीजिएगा, पे नाउ बटन पर आपको क्लिक कर देना। फिलहाल के यहाँ पर हम डिटेल्स भरेंगे, तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते यूपीआई में फंसने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है पेमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट को करूँगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हम अपना कार्ड का डिटेल्स को यहाँ पे हम भर चुके हैं, यहाँ पे आपको मंथ हम भर चुके हैं, यहाँ पे ईयर भर चुके हैं, यहाँ पे सीवीवी भर चुके हैं, और यहाँ पे अपना जिसके नाम से कार्ड है उसका नाम यहाँ पे हम भर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पे वाला बटन मुझे देखने को मिला, पे बटन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, मैंशन किया गया आपको 2662 आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी टोटल अमाउंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, 2451.41 रुपया आपको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कुछ ना कुछ लग रहा है, तो चलिए पे बटन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको 2451.41 रुपया यहाँ भी मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओटीपी मुझे भरने को मिलेगा, उसके बाद कन्फर्म हम करेंगे। तो चलिए ओटीपी भरते हैं, कन्फर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम ओटीपी भर चुके हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए कंफर्म बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, वैसा ही कुछ नया टैब मुझे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोट सेव मैं कर दूंगा, और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका, बस आते यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2420 रुपये ही मेंशन किए गए हैं, जबकि हमारा पेमेंट एक्स्ट्रा कट चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना रिसिप्ट को क्या करेंगे, ये जो रिसिप्ट जो है, ठीक है, यहाँ से हमको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना रहता है, तो चलिए हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, डाउनलोड कर देना, दोनों प्रिंट आउट को निकलवा करके अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए एग्जाम फॉर्म हमने आपको भर करके दिखा दिया। यदि डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा से बढ़ जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सेवाएँ जो है वो बंद हैं 8 तारीख तक। ठीक है, हो सकता इंटरनेट सेवाएँ और भी आगे बढ़ सके, यानी कि 10 तारीख तक भी हो सकता कि बंद रहे, तो उसमें स्टूडेंटों को दिक्कतें हो सकता है, तो हो सके यूनिवर्सिटी इस पर विचार विमर्श करे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हमने आपको फॉर्म भर करके आपको दिखा दिया लाइव प्रूफ।